हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइज, आज का जो मेरा मेकअप लुक है वो एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है, और वो है कसौटी जिंदगी का कमोलिका इंस्पायर्ड लुक। कमोलिका की शादी हो रही है आजकल, तो ये मैंने उनसे इंस्पायर्ड होके मेकअप लुक किया है। मैं उनके जैसा नहीं दिखना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक टीवी एक्ट्रेस है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। गाइज, अब उनके तरह मेकअप करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मैं देर ना करते वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फर्स्ट मैं एक वाइप्स की हेल्प से अपना फेस क्लीन कर लूंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ जॉनसन्स बेबी की क्रीम अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। देन नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये इंगसाइड का प्राइमर, और मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी ताकि मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ब्लू हेवन की लिप बाम, तो मैं अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मैबलिन का कंसीलर, तो पहले मैं अपनी आईलिड को कंसील करूंगी ताकि मेरा आई मेकअप बहुत अच्छा आए और मुझे एक अच्छा सा बेस मिले अपने कलर अप्लाई करने के लिए। और मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ये ब्रश गाइस मैंने क्लब फैक्ट्री से लिए थे, तो वहाँ पर बहुत अच्छे ब्रश मिल जाते हैं। तो आप सब पूछते हैं मुझसे, मैम आपने ब्रश कहाँ से लिए, तो मैं क्लब फैक्ट्री से लेती हूँ ब्रशेस, क्योंकि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी मिल जाती है ब्रश की। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये लॉरियल कॉम्पैक्ट पाउडर। और गाइस, हो सका तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना। कभी कभी मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखना थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि बिजी हो जाती हूँ इसलिए काम में भी। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मिस कोल का आई शेडो पैलेट, और जिसमें से मैं ये दो शेड यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं रेड शेड यूज़ करूँगी गाइस। वो मतलब आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, बट वो लाइट रेड शेड है, तो पहले मैं उसे ही लगाऊंगी और फिर मैं अच्छे से उसे ब्लेंड करके अपनी क्रीज लाइन पे उसे लगाऊंगी और अच्छे से उसे ब्लेंड करूंगी। पहले दोनों ही शेड हमें क्रीज लाइन पे लगाने हैं, एक के ऊपर एक, और अच्छे से हमें ब्लेंड करना है इन दोनों को। जो मैंने बाद में लिया है लाइट ब्राउन शेड, तो उसे भी हम अच्छे से इसी के अंदर ब्लेंड कर लेंगे। तो गाइज, हमारे आईशेडो की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी, तो उतना ही अच्छा हमारा आईशेडो उभर के आएगा। और बेस्ट होता है ब्लेंडिंग, तो आप ब्लेंडिंग अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये लाइट ब्राउन शेड, तो मैं रेड शेड के ऊपर ही ये लाइट ब्राउन शेड लगाऊंगी और इसे भी अच्छे से ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मेरे पास है हुडा ब्यूटी की जो ग्लिटर लिपस्टिक होती है गाइस। ये मैंने ग्लिटर लिपस्टिक अपने लिप्स पे अप्लाई करने के लिए नहीं ली थी, तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में शायद। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी है आई बेस के लिए, जैसे हम ग्लिटरी आई बेस लगाते हैं तो वो अच्छी ज़रा पिगमेंटेशन नहीं देता है। तो आप पहले एक ग्लिटरी लिपस्टिक लगा लीजिए उस पर। ये देखिए, अभी मैं अप्लाई करूँगी इस पर, तो आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन आएगी आपके जो ग्लिटर आई शेडो, सॉरी मतलब ऐसे शिमरी आई शेडो होते हैं, तो उनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आएगी, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी लिपस्टिक नहीं है तो आप कट क्रीज बना के भी कर सकते हैं, तो उससे भी अच्छी पिगमेंटेशन आ जाएगी। और आप हमेशा ऐसे जो शेड होते हैं उन्हें फिंगर से लगाएंगे तो अच्छी कवरेज देगा, मतलब जो आई शेड होगा आपकी अच्छी कवरेज देगा वो कलर। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये TY का लाइनर, TYA का लाइनर, और ये बहुत ही अच्छा लाइनर है, वाटर प्रूफ लाइनर है, और मैं इसे एक लाइनर ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। एक मैंने विंग्स लाइनर क्रिएट किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा विंग्स लाइनर है, तो मैंने भी एक विंग लाइनर क्रिएट किया है, और बहुत ही अच्छा लाइनर मतलब लगाया है इन्होंने, और मैंने भी वो लगाने की कोशिश की है वैसे ही विंग्स। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये वेट एंड वाइट का फाउंडेशन गाइज, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मतलब फुल कवरेज फाउंडेशन है और एकदम ही मैट फिनिश देता है। बट जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि ये आप अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करके ही यूज़ कीजिए।
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैट है, तो फिर क्योंकि ऑलरेडी फेस ड्राई स्किन वालों का ड्राई होता है, तो ये मैट होने के लिए इसको ड्राई होना होता है, तो आप अच्छे से इसे मॉइस्चराइज करके ही यूज़ करें। और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये, और मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। तो ये ब्रश भी आप देख सकते हैं मैंने क्लब फैक्ट्री से ही लिया है। देन ये ब्यूटी ब्लेंडर है हुडा ब्यूटी का, गाइज ये बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, तो मैंने इससे दोबारा से इसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड किया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मैबलिन का कंसीलर, तो मैं थोड़ा अपने फेस को हाईलाइट करूँगी, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने हाईलाइट पोर्शन पे इसे लगा लिया है। मैं ब्लेंडर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर, और मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी। गाइज ये जो पाउडर ब्रश है ये मैंने शीन से लिया है, और ये पाउडर ब्रश बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये SFR का कॉन्टोर पैलेट, तो इसमें से मैं थोड़ा सा अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। और ये ब्रश भी मैंने लिया है क्लब फैक्ट्री से, और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे, बट अब उन्होंने ज़्यादा अपने रेट बढ़ा दिए हैं, तो मैं मतलब कुछ कह नहीं सकती, बट ब्रश की क्वालिटी होती है जो, वो क्लब फैक्ट्री भी बहुत अच्छी है, और देन शीन की भी बहुत अच्छी है। और ये मेरा दूसरा कमोनिका इंस्पायर्ड मेकअप लुक है, और गाइस अगर आपने मेरा पहला कमोनिका इंस्पायर्ड लुक मेकअप नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो मैं अपने जॉ लाइन को भी कट कर लिया है, और अब नोज़ को करूँगी। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये FC की आईब्रो पेंसिल, तो मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये SFR का ब्लशर पैलेट, और गाइस बहुत ही अच्छा है, इसमें पिंकिश टोन भी है, दो शेड है इसमें जो मतलब ब्लश में आप यूज़ कर सकते हैं, एक पीची शेड भी है, तो मैंने पीची शेड यूज़ किया है, और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मालियो का हाइलाइटर, तो मैं इसे अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। देन लॉ लैश पे भी मैंने इसे लगाया है हल्का सा, क्योंकि वहाँ पर कोई शेड नहीं है, तो मैंने ये लगा लिया, तो इससे अच्छा इफेक्ट आ गया है आईज़ के ऊपर। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये इन कलर का हाइलाइटर, ये हाइलाइटर भी गाइस बहुत अच्छा है, इसके सारे ही शेड बहुत अच्छे हैं, देन इसमें शायद 5 या 6 शेड आते हैं, तो 3 शेड मेरे पास हैं, और बहुत ही अच्छे शेड है। अगर आप कोई अच्छा सा रीजनेबल हाइलाइटर ढूंढ रहे हैं, तो आप ये ले सकते हैं। और मैं अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी। देन नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मैबलिन का मस्कारा, और दो बिंदियाँ मैंने ली हैं वाइट देन रेड, और बिंदी मतलब बहुत ही अच्छी है, इस मेकअप की जान है पूरी वो बिंदी, तो वो जो बड़ी सी बिंदी है वो मैंने लगाई है, आप देख सकते हैं। और ऐसा ही मैंने कुछ मिलता जुलता मेकअप एक ऐश्वर्या राय लुक किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन पर दे दूँगी, तो आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये रेड चेरी की लैश, जो कि मैंने ऑफ कैमरा यूज़ की है, और मैं ले रही हूँ ADS का लिप लाइनर। गाइज मुझे लिप लाइनर के बिना लिपस्टिक लगाने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो मैं लिप लाइनर ज़रूर यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये NYB की लिप शेड, और इसका जो शेड नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये गाइस बहुत ही प्यारा रेड शेड है। और लास्ट में मैं ले रही हूँ ये मेकअप फिक्सर, जो कि है मिस गोल्ड का। और मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये है फाइनल लुक, जो कि बिना ज्वेलरी का है, तो अभी मैं ज्वेलरी भी पहन के आऊँगी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं मुझे। तो मैंने ये आपको मेकअप दिखाया है कि ये इस तरीके का मेकअप आया है।
गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।